क्या पावर स्टार पवन सिंह को मिल रही है धमकी? जी हाँ, ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि पावर स्टार पवन सिंह की जो हनुमान चालीसा रिलीज़ होने जा रही है अपनी धुन चैनल पर, उसे लगातार धमकी मिल रही है। जी हाँ, ट्रीज़र रिलीज़ हुआ, ट्रीज़र को अच्छा रिस्पांस मिला। अब उसके बाद पवन सिंह के गाने हनुमान चालीसा को लगातार टी सीरीज़ चैनल वाले, जी हाँ, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि टी सीरीज़ चैनल वाले लगातार इस गाने को न रिलीज़ करने का दबाव बना रहे हैं। ऐसा ये भी बताया जा रहा है कि टी सीरीज़ का नाम इसलिए सामने आ रहा है कि हनुमान चालीसा जो सबसे ज़्यादा बार सुनी गई है वो टी सीरीज़ के चैनल से ही सुनी गई है। सबसे ज़्यादा व्यूज़ के मामले में भी हनुमान चालीसा ही टी सीरीज़ का अपलोडिंग वीडियो है। आपको ये बता दें कि इस हनुमान चालीसा में आवाज़ सिंगर हरिहरन ने दी थी, जो कि अब तक काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ये आवाज़ गुलशन कुमार की है, लेकिन ये आवाज़ गुलशन कुमार की बिल्कुल भी नहीं है, ये आवाज़ हरिहरन की है। लेकिन अभी तक उनका नाम कभी भी टी सीरीज़ ने लिया ही नहीं कि गुलशन कुमार की आवाज़ नहीं, बल्कि ये तो हरिहरन की आवाज़ है। खैर, इस पर आज बात करने का वक्त नहीं है, लेकिन आज ये बात करने का वक्त ज़रूर है कि भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जो हनुमान चालीसा ला रहे हैं, उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि टी सीरीज़ इसे रिलीज़ होने नहीं देना चाहता? इसके पीछे ये बात है, इस तरह से पवन सिंह ने गाया है, सोलफुल वॉइस में गाया है, इस वॉइस को सुनने के बाद कहीं ना कहीं टी सीरीज़ को इस बात का डर तो नहीं है कि आने वाले वक्त में उनका सबसे पॉपुलर वीडियो कहीं इस आवाज़ के नीचे तो नहीं दब जाए? वैसे आजकल टी सीरीज़ पे कई एलिगेंस लगाए जा रहे हैं, जैसे कि सिंगर सोनू निगम ने भूषण कुमार का नाम लेते हुए उन्हें मी टू की याद दिला दी। जी हाँ, जब मी टू में भूषण कुमार का नाम आया था तो मरीना कुंवर, जिन्होंने अपनी आप बीती लोगों से बताई थी किस तरह से भूषण कुमार ने धोखेबाजी से उन्हें अपने अपार्टमेंट में बुलाया और उनके साथ लगभग रेप जैसी कोशिश की। खैर, ये सब कुछ मामला शांत हुआ, लेकिन अब भाई जब से सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई है, उसके बाद कई अनगिनत खुलासों में एक ये भी खुलासा हुआ कि भूषण कुमार ने ही सोनू निगम का कैरियर आगे बढ़ने नहीं दिया और उनके कैरियर को स्पॉइल करने में भूषण कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। खैर, इसके बाद अब भूषण कुमार पवन सिंह की हनुमान चालीसा को रिलीज़ होने देना नहीं चाहते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। जी हाँ, टी सीरीज़ मानता है कि अगर ये हनुमान चालीसा रिलीज़ हुई तो शायद लोग पुरानी हनुमान चालीसा को सुनना भूल जाएंगे। इससे जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे लगातार।